वैसे क्या आप सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं? क्योंकि अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जल्द से जल्द इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको एक ब्राइट करियर ऑफर कर सकती है, बिल्कुल जैसे CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग, जिसका यूज करके मैन्युफैक्चरर्स एक मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। CNC मशीन्स एक डिजिटल फाइल को कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस में बदल देती है, जिसे आगे किसी मोटराइज्ड टूल जैसे मिल, राउटर, ग्राइंडर में भेजा जाता है, और ये टूल्स डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को बिल्कुल सही तरह से कट करते हैं और शेप देकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी बहुत सी CNC मशीन्स हैं जिनका यूज मशीन पार्ट्स और 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में होता है। और ऐसी कुछ CNC मशीन्स हैं राउटर। राउटर्स का यूज वुड, प्लास्टिक और मेटल जैसे मटेरियल्स को कट करने के लिए होता है। जैसे ही यूजर राउटर में इंफॉर्मेशन एंटर करता है, वैसे ही ये उस मटेरियल को इंस्ट्रक्शंस के बेस पर शेप और साइज में कट कर देता है। अगला है लेजर। इसका यूज मेटल, प्लास्टिक और वुड कटिंग में होता है। प्लाज्मा। इसका यूज मेटल और वुड को कट करने में होता है, और मशीन प्लाज्मा कटर टॉर्च का यूज करती है जो एक कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होती है। लेजर कटिंग और प्लाज्मा दोनों में ही प्रोसेस को असिस्ट करने में गैस का यूज होता है। अगला है लेद। CNC लेथ या टर्निंग मशीन टर्निंग और ड्रिलिंग जैसी मशीन्स ऑपरेशंस अलाउ करता है, और इसका यूज स्लॉट्स और थ्रेड्स जैसे सिलिंड्रिकल पार्ट्स को प्रोड्यूस करने में होता है। ड्रिल। ड्रिल्स का यूज पीसेस में होल्स बनाने के लिए होता है ताकि वो असेंबल होने के लिए तैयार हो सके। तो ये तो हुई कुछ कॉमन CNC मशीन्स। अब क्योंकि इन CNC मशीन्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, इसलिए CNC मशीन प्रोग्रामिंग का प्रॉपर होना जरूरी होता है, वरना पुअर प्रोग्रामिंग से टॉलरेंस इश्यूज, पुअर सरफेस फिनिश, प्रीमैच्योर टूल ब्रेकेज और ऐसे बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए हर बार सही रिजल्ट के लिए ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स दोनों को CNC प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझना जरूरी होता है। और CNC मशीन प्रोग्रामिंग के 3 बेसिक मेथड्स होते हैं, मैनुअल, कॉन्वर्सेशनल और CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग। मैनुअल प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर मैनुअली कोड इनपुट करता है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज भी जरूरी होती है। कॉन्वर्सेशनल प्रोग्रामिंग एक तेजी से पॉपुलर होने वाला मेथड है जिसमें ग्राफिक और मीनू ड्रिवन फंक्शंस शामिल होते हैं। इसमें ऑपरेटर्स मैनुअल प्रोग्रामिंग की ही तरह डायरेक्टली CNC मशीन में कमांड्स को इनपुट करते हैं। इसमें एक लिस्ट में से ऑपरेशन सिलेक्ट किया जाता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्लग इन की जाती है और फिर मशीन इसे एग्जीक्यूट करती है। और CAM सिस्टम प्रोग्रामिंग कॉन्वर्सेशनल मेथड के सिमिलर होती है, लेकिन उससे एडवांस्ड, जो स्पीड बढ़ाने में और कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में हेल्प करती है। CAM सिस्टम में सॉफ्टवेयर टूल पाथ स्ट्रेटेजीज के साथ एक एडवांस्ड GUI प्रोवाइड कराता है, ताकि ऑपरेटर आसानी से प्रोग्राम प्रिपेयर और जनरेट कर सके, जिसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़े और इसे डायरेक्टली CNC मशीन पर ट्रांसफर किया जा सके। इन सभी CNC मशीन प्रोग्रामिंग मेथड्स में G कोड और M कोड इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये होते क्या है, आइए जानते हैं। G कोड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो CNC मशीन को इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे क्या करना है, और M कोड CNC मशीन के ऐसे बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि स्पिंडल रोटेशन, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये M कोड कस्टमाइजेबल होते हैं और मशीन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, इसलिए ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो डबल चेक करे और उसके बाद ही राइट फंक्शंस को इनपुट करे। CNC मशीनिंग बहुत सी इंडस्ट्रीज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे ऑटोमोटिव एंड रेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें CNC मशीनिंग का यूज मशीन इंजन पार्ट्स जैसे सिलेंडर हेड्स, वॉल्व ट्रेन कॉम्पोनेंट्स, पुली ब्रैकेट्स, ऑटोमोटिव इंटीरियर और एक्सटीरियर कॉम्पोनेंट्स, फ्लूइड सिस्टम कॉम्पोनेंट्स में किया जाता है। मेडिकल फील्ड में CNC मशीन मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज पार्ट्स बनाने में यूज होती है, जिनमें MRI मशीन्स, ऑथेंटिक डिवाइसेस, रिसर्च इक्विपमेंट और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी CNC मशीनिंग एयरक्राफ्ट के बहुत से कॉम्पोनेंट्स बनाने में यूज होती है, जैसे इंजन कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, लैंडिंग गियर पार्ट्स, सेंसर्स, सिटिंग और एयर फ्रेम कॉम्पोनेंट्स। इसी तरह पावर जनरेशन इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से कॉम्पोनेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं जो CNC मशीनिंग प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कूलिंग ब्लेड्स, इनलेट वेंट्स,
रोटरी सपोर्ट डिवाइसेस एक्सेट्रा। इनके अलावा डिफेंस, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मरीन इंडस्ट्री जैसी बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग का यूज होता है। और ऐसे बहुत से हाईटेक टूल्स जैसे 3D प्रिंटर्स भी सीएनसी मशीनिंग के प्रोसेस से ही बनते हैं। तो अब जान गए हैं आपकी ये सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो चलिए अब आगे ये जान लेना भी फायदेमंद ही रहेगा कि एक सीएनसी प्रोग्रामर क्या करता है। तो देखिए, सीएनसी मशीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और उन पर काम करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। और एक सीएनसी प्रोग्रामर को एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रिंट या मॉडल लेना होता है और ये डिटरमिन करना होता है कि उस कंपोनेंट की मशीनिंग को ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। इस प्रोसेस में एक प्रोग्रामर को बहुत से फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कौन सी मशीन यूज करनी है, पार्ट को कट करने के लिए प्रॉपर टूल्स एक्सेट्रा। प्रोग्रामर पार्ट को लेकर के एक कैम सॉफ्टवेयर में डालता है और जी कोड जनरेट करने के लिए टूल पाथ्स अप्लाई करता है, क्योंकि जी कोड ही वो स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसमें मशीन कम्युनिकेट करती है। इस करियर का एक रिवॉर्डिंग पार्ट ये होता है कि प्रोग्रामर एक सिंपल मटेरियल को ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में बदल देता है जो रेस कार्स, प्लेन्स और मिलिट्री जैसी सर्विसेज में यूज होता है। ये फील्ड बहुत ही चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें बनाना बहुत ही टफ होता है और इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसलिए एक प्रोग्रामर के तौर पर आप जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे, आपके लिए इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना उतना ही आसान होगा और प्रोग्रेसिव भी। ऐसी कुछ मेजर स्किल्स जो एक सीएनसी प्रोग्रामर के पास होनी चाहिए वो है GDNT सिंबल सहित ब्लूप्रिंट रीडिंग्स को समझने की एबिलिटी, टूलिंग और डिफरेंट एप्लीकेशंस की नॉलेज, सीएनसी मशीन्स की अंडरस्टैंडिंग जिसमें मशीन वर्क करने का तरीका, स्पेशल कोड्स, मशीन लिमिटेशंस शामिल हो, स्ट्रॉन्ग मैथ स्किल्स होना, डिटेल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज्ड, क्रिएटिव और टेक सेवी होना, डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स का होना, यानी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने की एबिलिटी ताकि ऑपरेटर उसे फॉलो कर सके, ऑपरेटर के तौर पर वर्किंग एक्सपीरियंस और टूलिंग की नॉलेज के साथ साथ डिफरेंट टाइप की मशीन्स और इक्विपमेंट्स की नॉलेज और मशीन्स पर वर्क करने का एक्सपीरियंस। सीएनसी प्रोग्रामर के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में जाने तो ज्यादातर प्रोग्रामर्स तो ऑफिस एनवायरनमेंट में ही ज्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं और कुछ टाइम मशीनिंग फ्लोर पर बिताते हैं। एक सीएनसी प्रोग्रामर का रोल एक मशीनिस्ट जैसा ही होता है, लेकिन एक प्रोग्रामर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स के लिए एक CAM सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करने में टाइम बिताता है। एक प्रोग्रामर की जॉब में डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हाँ, प्रोग्रामर बनने के लिए ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस दोनों की ही जरूरत होगी, इसलिए इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि प्रोग्रामर बनने के लिए हार्डवर्क तो जरूरी होगा ही होगा, साथ ही साथ फ्लोर पर मशीनिस्ट की तरह काम करने का सालों का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होगा। सीएनसी मशीनिस्ट बनने के लिए आपको कई सालों की टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत होगी और अगर आप पूरी तरीके से बिगिनर है तो क्वालिफाइड होने के लिए आपको 5 साल भी लग सकते हैं। और अगर आप एंट्री लेवल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीएनसी की कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपको 2 साल का टाइम लग सकता है। इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए टूलिंग, मशीनरी, एप्लीकेशंस और सही जगह सही टूल यूज करने की डीप नॉलेज होनी जरूरी है। वैसे इतना सब कुछ जानते हुए एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ही मुश्किल होता है? तो इसका जवाब तो यही है कि अगर आपको बेसिक मैथ आती है और मशीनिंग कैसे वर्क करती है ये अंडरस्टैंडिंग हो तो बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना आसान होगा, जिसे कुछ ही दिनों में सीखा जा सकता है, जबकि इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग स्किल्स 1 साल के अंदर सीखी जा सकती है। वहीं एडवांस्ड सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए तो कई साल का टाइम लगेगा, क्योंकि इसे आने में एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ ऑनलाइन सीएनसी क्लासेस के बारे में जाने तो आप कोर्सेरा, यूडमी, जी कोड ट्यूटर, GARC के जरिए लर्निंग कर सकते हैं। और सीएनसी लर्निंग के लिए कुछ बेहतरीन किताबें हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद सीएनसी, एडवर्ड फोर्ड, सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक, पीटर स्मिथ जैसी बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसी तरह सीएनसी सर्टिफिकेशन भी आपको क्वालिफाइड सीएनसी ऑपरेटर बना सकते हैं। और हाँ, सीएनसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और NIMS सर्टिफिकेशन जैसे सर्टिफिकेशंस लिए जा सकते हैं। एक सीएनसी प्रोग्रामर को मिलने वाली एवरेज सैलरी इंडिया में 3 लाख पर ईयर हुआ करती है। एंट्री लेवल पोजीशन पर सैलरी 2,56,000 पर ईयर से शुरू होती है, तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को 13,50,000 पर ईयर तक भी सैलरी मिला करती है। यानी इसमें स्कोप तो काफी अच्छा बन सकता है अगर आप एक्सपीरियंस ले और स्मार्टली वर्क करें तो। तो अब इस वीडियो के जरिए सीएनसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आपने समझ ही लिया है, तो बस अब ये डिसाइड कर लीजिए कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल और करियर को सपोर्ट करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है या नहीं।
और क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक देना तो बनता है और इसे शेयर करके भी आपको अच्छा महसूस होगा। साथ ही आप कमेंट करके हमें बता ही देंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए भेजते रहिए अपने सवाल। धन्यवाद।